हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप यू गुड। सो आज हम लोग कक्षा एक कक्षा हिंदी का पाठ पढ़ेंगे, बंदर गया खेत में भाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी हमेशा कहीं ना कहीं भागते रहते हो ना। अगर आपकी मम्मी डांटती है तो भाग जाते हो अम्मा दादी के पास या अम्मा के पास, जो भी आप उस लोगों को बोलती हो, या बाबा के पास, या फिर घर के बाहर, मम्मी पकड़ नहीं पाएंगी, ऐसा करते हो ना। तो आज हम लोग बहुत अच्छा एक कहानी पढ़ेंगे, जिसे कहानी नहीं कविता कहेंगे, सॉरी ये कविता है, बंदर गया खेत में भाग। और इसे बार बार रिपीट एक दो बार रीडिंग करेंगे तो याद हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग रीडिंग करते हैं, अपनी अपनी बुक आगे खोल लीजिए, मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। और जैसे जैसे मैं रीडिंग करती हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग रीडिंग कीजिए, ओके। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। कैसे तोड़ा साग? चुटुर मुटुर। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अच्छा अच्छा बेटा, इतनी है तो बहुत अच्छी है। पहले हम लोग फिर से एक बार रीडिंग करेंगे। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। चुटुर मुटुर तोड़ा साग से जैसे उंगलियों से साग को तोड़ते हैं ना, तो उसको बोला है चुटुर मुटुर तोड़ा साग। आग जलाकर चटर मटर, जब आग जलाते हैं लकड़ियों की तो चटर मटर उसमें आवाज आती है। साग पकाया खदर बदर, खदर बदर जब साग उबलता है ना तो उसमें खदर बदर की आवाज आती है बेटा। सापड़ सूपड़ खाया खूब, कैसे खाया? बहुत जल्दी। सापड़ सूपड़, मम्मी कहती है पूरा साफ खाना कर दो अपनी प्लेट का, तो उसी तरह से उसने सापड़ सूपड़ पूरा साफ करके खाया, पूरा फिनिश करके खाया। पोछा मुंह उखाड़ कर धूप, किससे मुंह पोछा? धूप से। ये जो घास होती है एक तरह की, उसी को बेटा धूप बोलते हैं। हाँ, तो घास अलग होती है और धूप अलग होती है, लेकिन होती उसी जैसी है, याद रखिएगा। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, क्या किया? चलनी उसने बिछा ली है और सूप ओढ़ लिया है। डट कर सोए बंदर भूख। ओके, एक बार फिर से रीडिंग कीजिए जल्दी से। बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दो, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूख। ओके, अब हम लोग इसके क्या देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की, इसमें क्या पूछा गया है हमें करने के लिए, क्या बिछाया और क्या ओढ़ा, ये पूछ रहे हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा? जैसे बंदर ने चलनी बिछा कर सोया, ठीक है, और सूप ओढ़ कर सो गया, तो लिखो ये कैसे सोएंगे। हाथी क्या ओढ़ कर सोएगा भाई, बताइए बच्चों। हाथी तो बहुत बड़ा होता है, और क्या क्या बिछाएगा क्या ओढ़ेगा, तो हाथी बताइए क्या ओढ़ेगा और क्या बिछाएगा। हाथी बड़े बड़े पत्ते बिछाएगा और बड़े बड़े पत्ते ओढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हाथी में बहुत लिखेंगे बड़े 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 पत्ते, क्या उड़ेगा? उड़ेगा भी बेटा बड़े पत्ते, बड़े पत्ते। चींटी, चींटी क्या करेगी? चींटी क्या बिछाएगी? घास के अंदर घास को बिछाएगी। ओके, या जैसे चींटियों को ना छोटे छोटे छेद कर लेते उसमें से आते, तो उसमें क्या करती, छोटे छोटे जो घास होती है ना उसको ले जाती है वो अंदर, उसको बिछा के सोती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे घास, क्या क्या बिछाएगी? घास। और क्या ओढ़ेगी? घास ही ओढ़ेगी। गिलहरी, गिलहरी बेटा क्या करेगी? गिलहरी पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनको बिछा कर सोएगी, तो इसमें लिखेंगे पत्ते, और क्या ओढ़ेगी? पत्ते ही ओढ़ेगी। शेर, शेर क्या करते हैं? गुफा, शेर तो गुफा में रहते हैं, लेकिन गुफा में भी ये लोग
क्या करेंगे, पत्ते बिछाकर सोएंगे और पत्ते ही ओढ़कर सोएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पत्ते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलो बच्चों आगे देखते हैं, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। अब ये बिल्ली बिल्ली है ना, प्यारी सी, कितनी क्यूट सी, डरी सी बैठी है, लगता है आप लोगों से डर गई है। ओ तो क्या बोल रही है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। अरे भाई क्या सोचूं, मैं क्या ओढ़ूं, क्या बिछाऊं, बताइए बिल्ली क्या ओढ़ेगी और क्या बिछाएगी। बिल्ली ज़्यादातर बेटा घरों में ही, जो घर की छत पे होती वहाँ सो जाती हैं। तो ये लोग क्या ओढ़ती क्या ओढ़ती, इन्हें तो घर का अपना कोई भी चीज़ मिल जाए ना उसी को ओढ़ लेती हैं और सो जाती हैं। आप लोग सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिल्ली क्या ओढ़ेगी कैसे। अब देखिए इसमें है झटपट खटपट, साग पकाया, उसने साग कैसे पकाया था बंदर ने, खदर बदर। सबने खाया, सब लोग कैसे खाते हैं, झटपट झटपट। तो यहाँ पे क्या आएगा, झट पट। आपको कोई अच्छी सी फेवरेट चीज मिल जाती है जैसे बर्गर, तो आप लोग कैसे खाते हैं, झटपट खाते हैं ना, पिज्जा वगैरह। हाँ तो पानी पिया, पानी कैसे पिया जाता है, पानी पिया जाता है गट। पानी जब पीते हैं तो आप लोग गौर बेटा नोटिस करना, तो गट गट की आवाज़ आती है, गट 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 एंड अगेन गट गट। मेरे साथ लिख लीजिए, मारे खर्राटे। अब भाई खर्राटे कैसे मारे जाते हैं, खर्राटे कैसे मारे जाते हैं, तो खर्राटे में लिखेंगे बेटा आप लोग खर खर। खर खर गिरे पलंग से, जब कहीं पे गिरते हो तो कैसी आवाज आती है बेटा बच्चों आप लोगों की, धड़म। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे धड़म। ओके चलिए लिख गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भागो भागो भागो, इसमें बोल रहे हैं भागो भागो भागो। अब क्यों भागना है ये देखते हैं। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। हाँ भागा भाई, क्योंकि बंदर जो इसका खेत होगा वो बंदर को मारेगा नहीं। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है ये बताइए, कौन कौन से काम करने के बाद बेटा आप लोगों को भागना पड़ता है। तो पहला तो आप लोग से जब कोई चीज टूट जाती होगी ना तब भागते होंगे। आप लोग सोच के बताइए, आप लोग अगर आप लोग के मन में कोई और चीज आती है ना कि जैसे हम ये काम के भागते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं या फिर जो मैं लिख रही हूँ उसे लिखते हैं। तो लिखिए जब हमसे कुछ टूट जाता है, या फिर कब हो जाता है, जब आपका कोई छोटी भाई बहन हो उससे लड़ाई हो जाए तब आप लोग क्या करते हैं, भागते हैं ना कि मम्मी मारेंगी हमारे छोटे। लाइन गिटर छोड़नी नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे, बट आपको नहीं छोड़नी है। ओके भाई बहन से लड़ाई होने पर, ये लिख लीजिए। फिर और किस कब भागते होगे, जब आप लोग रास्ते में चल रहे हो, जैसे कुत्ता है बिल्ली बैठा उसको पत्थर मारते तो वो पीछे जब भागता है तब भागते हो ना। हाँ मुझे पता है ये शरारते तो बच्चे करते ही हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे, जब हम बेटा ये नीचे लिखना है ओके, थर्ड लाइन में, जब हम किसी जानवर को पत्थर मारते हैं तब
करती है। ओके बेटा हो गया, चलिए आगे करते हैं। इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं ये बताओ। अच्छा बेटा इसमें ना बहुत सारी टोपी भी दी है और पगड़ी भी दी है, तो कितनी तरह की क्या है ये बताना है आपको। जैसे ये वाली है ना, ये क्या है, पगड़ी है, एंड ये टोपी है पुलिस की है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, एंड ये टोपी है, ये पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये टोपी है, ये पगड़ी है, और ये भी पगड़ी है। ज़्यादातर पगड़ियाँ हैं, कुछ टोपियाँ हैं। ओके ये आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके चैप्टर फिनिश हो गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बाय बाय।